और चलिए तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। राजभवन में कार्यक्रम हो रहा है एट होम। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी है। कुछ ही देर में देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राजभवन में तस्वीरें जहां पर एट होम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र को आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र के अलावा विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। और जयपुर से फिलहाल आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम में डॉक्टर सीपी जोशी की भी मौजूदगी है। इसके अलावा देखिए कई प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम में शिरकत की और कुछ ही देर में कार्यक्रम की अब शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि देखिए बेहद खास बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें जयपुर की आपको दिखा रहे हैं जहां राजभवन में एट होम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी है। और देखिए कार्यक्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ ही देर के अंदर एट होम कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। और देखिए कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण और खास इसलिए भी क्योंकि आज पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में इस खास मौके पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र और साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी है। लगातार फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आपको दिखा रहा है जब राज्यपाल ने कार्यक्रम में शिरकत की और अब कुछ ही देर के अंदर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, शुरुआत हो गई है। विशेष अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो देखिए बेहद खास कार्यक्रम राजभवन में इस वक्त जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमूमन ऐसा कम ही वक्त मिलता है जब इस तरीके से बातचीत हो पाए या फिर इत्मीनान से मिला जाए, लेकिन ऐसे ही खास मौके होते हैं जब इन कार्यक्रमों के जरिए एक दूसरे से न केवल मिलना जुलना हो जाता है बल्कि कुछ चर्चा भी हो ही जाती है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अभी थोड़ी देर पहले इससे मुख्यमंत्री ने फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की थी, संबोधन और उसके बाद लाभार्थियों से संवाद और साथ ही साथ पैकेट का वितरण भी मुख्यमंत्री ने किया और सीधे अब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। राज्यपाल, विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीनों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में। अभिषेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्योंकि अब ये मौके बेहद खास हो जाते हैं, अमूमन ऐसा समय बहुत ही कम मिलता है कि दिग्गज एक साथ इस तरीके से बैठते हों, लेकिन यहां पर एट होम का आयोजन किया जा रहा है। तीन चेहरे तो हमें नजर आ रहे हैं, और किस किस की मौजूदगी इस कार्यक्रम में? देखिए कार्यक्रम जो है अपने निर्धारित समय जो था 5:45 पे शुरू हो चुका हो गया था और राष्ट्र सांसद की शुरुआत हुई थी। सही 5:45 पे राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम में पहुंच गए थे। इसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जोशी भी यहां मौजूद है, जो कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जयपुर के सांसद हैं रामचंद्र बोरा भी यहाँ मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ
शहर के जो गणमान्य नागरिक यहाँ पहुंच रहे हैं वो बारी बारी से जो है जो भी यहाँ पे अतिथि आए हैं उनसे मिल रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और बदले में अतिथियों की तरफ से राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उनको बधाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कार्यक्रम जो है 5:45 से शुरू है और ये कार्यक्रम में जो शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ पहुंचे हैं और देशभक्ति के धुनों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे मुख्य सचिव जो उषा शर्मा है वो भी यहाँ मौजूद है, जो राज्यपाल के प्रमुख सचिव हैं सुबीर कुमार वो यहाँ मौजूद है, इसके अलावा जो ओएसडी हैं वो भी गोविंद राम जायसवाल वो भी यहाँ मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर कई पूर्व अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, मौजूदा अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ की जो राष्ट्रीय वेशभूषा के लिए जो ये जो गरिमामय कार्यक्रम है उस राष्ट्रीय वेशभूषा में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और जो है बारी बारी से यहाँ पर जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, विधानसभा अध्यक्ष विपिन जोशियां डायस पे मौजूद हैं, तो उनको उनका अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से जो है बैठे हैं और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पहुंचे हैं, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे हैं और सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र जो है अपनी पत्नी के साथ यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, जो विधायक हैं रफीक खान वो यहाँ मौजूद हैं, तो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप जानकारी दे रहे हैं, हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हमें नजर आ रहे हैं, वो भी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं तमाम जो गणमान्य लोग हैं जो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं वो हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं। हालांकि मेल मुलाकात का दौर ये शुरू हो गया है, एट होम कार्यक्रम का ये आयोजन राजभवन में, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। अभिषेक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो और कौन कौन खास चेहरे इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, मैंने बताया कि जो शहर के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनमें चाहे वो पूर्व अधिकारी हैं चाहे मौजूदा अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के राजदीप अग्रवाल की वो यहाँ मौजूद हैं, ऐसे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, बिल्डर यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो प्रतिभावान जो अपने अपने क्षेत्र में जो के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो है कांग्रेस नेता सुमन शर्मा यहाँ पहुंची हैं, आप तो कम तमाम लोग जो है यहाँ से पहुंच रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, उनके नेता पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कई जो प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं आप, और पूरा जो है यहाँ पर जो है जलपान का आयोजन किया गया है और ये भीड़ जो है ये आप देख सकते हैं और ये जो एट होम का कार्यक्रम ये रहता है ये करीब आधे से एक घंटे के बीच रहता है। आपको जो है यहाँ पे धुन भी सुनाई दे रही है, जो बैंड है वो देशभक्ति की धुन यहाँ पे बजा रहे हैं और लोगों का यहाँ पर ये एक मौका है जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम के जो आयुक्त हैं महेंद्र सोनी वो भी यहाँ मौजूद हैं, स्वायत्त शासन सचिव हैं कैलाश चंद मीणा वो यहाँ मौजूद हैं, ऐसे तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और मेल मिलाप का एक ये मौका होता है स्वतंत्रता दिवस पर। इस तरह का जो एट होम का कार्यक्रम है में लोग आपस में मिलते हैं और ये राज्यपाल की ओर से राजभवन में ये आयोजन किया जाता है और राज्यपाल इसमें जो है आतिथ्य के तौर पर सबका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं और बारी बारी से हाथ जोड़कर अभिनंदन जो है उनका कर राज्यपाल का अभिनंदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के और ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अमूमन इस तरीके से समय हालांकि इतना बिजी शेड्यूल लोगों का रहने लगा है कि इस तरीके से मौके मिलते बहुत कम है, लेकिन जब इस तरीके से कार्यक्रम होते हैं तो ये कार्यक्रम जरिया बनते हैं एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे का हालचाल लेने का, एक दूसरे से चर्चा करने का। बिल्कुल ये अरे जान से बिल्कुल बिल्कुल ये कार्यक्रम जो है इसी तरीके का कार्यक्रम है जिसमें एक मौका होता है जिसमें लोग मिलते हैं, कई बार व्यस्त दिनचर्या में नहीं मिल पाते हैं, काम काज भी नहीं मिल पाते, लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें एक दूसरे मिलते हैं। यहाँ पर जो है अभी जो सचिव हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और जो
वन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं शिखर अग्रवाल, वो यहाँ मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े अधिकारी और पूर्व अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक, राजनेता, चाहे किसी दल के हों, सभी का यहाँ लगातार आवागमन चल रहा है। सिख दुनिया यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जो है पूरा कार्यक्रम है, इस तरह का एक मेल मिलाप का एक मौका है। जलपान भी लोग ले रहे हैं, चाय का भी लुत्फ उठा रहे हैं और आपस में बातचीत का दौर भी चल रहा है। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजभवन से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एट होम कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं तमाम जो गणमान्य हैं वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है, साथ ही साथ जलपान का भी यहाँ पर विशेष तौर पर इंतजाम किया जा रहा है। और अभिषेक, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो बता रहे हैं कि अभी तक कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, किस किस की मौजूदगी है, कौन कौन से वो खास चेहरे हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अभिषेक, क्या खास इंतजाम इस कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए इंतजाम, मैंने आपको जैसा कहा कि इंतजाम जो है पूरा, जो राज्यपाल हैं सहपत सिंह यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ मौजूद हैं और एक पूरा प्रोटोकॉल रखा गया। उस प्रोटोकॉल के तहत जो है एक निश्चित दूरी से लोग जो है जो एक परिसर है उसमें जा रहे हैं और जाते हुए दूसरे गेट से निकल रहे हैं, राज्यपाल को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए वहां से निकल रहे हैं। और जो एक पूरा टेंट यहां पे सर से लगाया गया है, जलपान की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, नाश्ता है, नाश्ता में विभिन्न तरह की जो व्यंजन है, जो राजस्थानी व्यंजन है, सब तरह के व्यंजन यहाँ पर रखे गए हैं, चाय की यहाँ व्यवस्था है, कॉफी की यहाँ व्यवस्था है। तो ये एक मौका है, जलपान का एक बहाना है, लेकिन उसके अलावा मेन जो यहाँ पर अवसर है, दूसरे मिलने का है, जो यहाँ पर कार्यक्रम एट होम कार्यक्रम जो इस तरह के आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, मतलब स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, राजभवन की ओर से इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम सत्ता संगठन के लोग और अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले लोग यहाँ पहुंचते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कला जगत के हों, चाहे वो उद्योग जगत के हों, चाहे वो जो है निर्माण क्षेत्र से हों, तो कई लोग यहाँ पहुंचे, सबको यहाँ पे बुलाया जाता है। बाकायदा एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के तहत इनको यहाँ जो है राजभवन की ओर से इन्विटेशन दिया जाता है और यहाँ पर जो एंट्री है उस इन्विटेशन के साथ होती है। जब आप इन्विटेशन लेकर, इन्विटेशन कार्ड लेकर आते हैं तो बाकायदा उसको पंच किया जाता है, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम यहाँ रहता है, उसके बाद जो है यहाँ पर एंट्री होती है। तो ये गरिमा में एक कार्यक्रम है, गरिमा राजभवन की ओर से आयोजित, जिसमें जो है शहर के जो है नाम से लोग भाग ले रहे हैं। तो देखिए, सभी का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है और किस तरीके से खास और विशेष तौर पर इंतजाम इस कार्यक्रम में किए गए हैं। और बता रहे हैं अभिषेक, मेरे सहयोगी, लगातार कि वहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं एक एक कर जो सभी आ रहे हैं, मिल रहे हैं राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, विधानसभा स्पीकर से, पीसीसी चीफ की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में है और तमाम विशेष गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित इस समय हैं। अभिषेक, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी एट होम कार्यक्रम का यह आयोजन है, क्या खासियत इसकी है, जरा दर्शकों को बताइएगा। ये भी परंपरा लंबे समय से चल रही है, इसके तहत यह एट होम कार्यक्रम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की शाम को ये आयोजन किया जाता है। करीब घंटे भर का ये कार्यक्रम रहता है, इस दौरान राज्यपाल जो है वो खुद यहाँ मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष वो भी यहाँ मौजूद है, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो SMS अस्पताल है उसके वरिष्ठ चिकित्सक भी यहाँ मौजूद हैं। और तो ये कार्यक्रम इस तरह का है, क्योंकि एक गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता का आयोजन होता है, जिसमें उस दिवस की शुभकामनाएं लोग एक दूसरे को देते हैं और इस तरह का आयोजन राजभवन की ओर से किया जाता है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है और लोग यहाँ पर एक उत्सुकता भी है लोगों की, जो लोग यहाँ मिलके मिलने आ रहे हैं, जो एक एंट्री एक गेट से एंट्री लेकर दूसरे एंट्री से निकल रहे हैं। और अभिवादन जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिवादन भी कर रहे हैं। तो इस दौरान एक ट्रेन भी यहाँ चल रहा है, सेल्फी लेने का भी ट्रेन चल रहा है, या इसके अलावा जो आ रहे हैं लोग, तो उनमें से एक जो है एक व्यक्ति अंदर जाते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ते हैं, तो तब तक जो दूसरा व्यक्ति जो बाहर मौजूद होता है वो उनकी फोटो खींचता है। तो यहाँ पर एक फोटो
लेने के भी जो है लोग सिलसिला जारी है, लोग फोटो भी ले रहे हैं और लोग बाहर खड़े होके सेल्फी भी ले रहे हैं। तो ये दौर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है और आगे आने की जो यहाँ एक निश्चित दूरी पर जो मीडिया खड़े हुए उस मीडिया जो खड़े होंगे कैमरे लगे हुए वहां पर भी लोग घुस के सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फी ली जाए राज्यपाल के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, और इसके अलावा जो उनके साथी हैं वो उनका वीडियो भी बनाते हैं, उनकी फोटो भी खींचते। तो ये दौर जो है जो गरिमामय कार्यक्रम है तो एक कोशिश है कि एक उपस्थिति यहाँ पे फोटो या वीडियो बनाकर दर्ज की जाए, फिर उसको सोशल मीडिया पे डाला जाए। तो ये एक जो माहौल है ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, भक्तिमय माहौल, हालांकि देशभक्ति के सराबोर रंग में सराबोर पूरा देश नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं हर एक चेहरों को, आप देखिए हर कोई कैमरे में ये पल और ये स्मृतियां कैद करना चाह रहा है। और जिस तरीके से सहयोगी अभिषेक बता भी रहे हैं, अभिषेक क्योंकि यही वो स्मृतियां हैं जो कि आगे जाकर याद आएंगी कि हाँ हम इस तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस तरीके से हमने फोटो भी क्लिक की थी। बिल्कुल, ये जो राजभवन की ओर से जो इस तरह का आयोजन होता है, एटम का जो आयोजन होता है उसका जब इनविटेशन पहुंचता है तो इनविटेशन आना भी उस व्यक्ति के लिए बड़े सम्मान की बात होती है। वो यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ के जो क्षण हैं, जो गरिमामय क्षण हैं, उनको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख सचिव जो है भास्कर सावंत वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। तमाम इस तरह के अधिकारी, एसएस लेवल के अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर लोगों से मेल मुलाकात का दौर। बिल्कुल अभिषेक, मैं जरा रोकना चाहूंगी आपको, ये विशेष तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, जरा हम चाहेंगे अगर आप बता पाए इन तस्वीरों के बारे में, राज्यपाल को कुछ भेंट किया गया है, मुख्यमंत्री को कुछ पहनाया गया है, ये अभी क्या, कौन है, क्या किस तरीके से क्या परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है, क्या ये विशेष है? बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग भी आ रहे हैं जो उनको जो है अपनी तरफ से कुछ भेंट भी कर रहे हैं। जैसे पहले कांग्रेस नेता ब्रजकिशोर शर्मा थे जिन्होंने राज्यपाल को जो है श्री की माला भेंट की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है जो गलता पीठ के जो आचार्य हैं वो जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, साथ में राज्यपाल जो कलराज मिश्र से मिल रही है, अवधेशाचार्य जी हैं, गलता पीठ के अवधेशाचार्य जी हैं जो यहाँ मौजूद हैं और लोगों से मिल रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर जो है राज्यपाल का अभिवादन भी किया, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अब वहाँ से जो गलता पीठ के अवधेशाचार्य जी हैं वहाँ से चले गए हैं और उसके बाद वापस कोई लोगों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह से हाथ जोड़ते हुए ये आ रहे हैं और दूसरे गेट से निकल रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है इसमें जो है लगातार लोगों का आना लगातार जारी है और करीब ये कार्यक्रम जो है अभी आधा घंटा करीब और चलने की संभावना है। और जो है ये कार्यक्रम में जो देशभक्ति के गाने आप सुन सकते हैं उसके उस माहौल में ये गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में ये राजभवन की तस्वीर आपके सामने और ये विशेष तस्वीर इसलिए देखिए क्योंकि आप जो गणमान्य हैं उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अभिषेक आपका शुक्रिया।